गुरुदेव स्नान क्या है, स्नान कितने प्रकार का होता है और स्नान करने से क्या होता है? सर्वोत्तम स्नान मानसिक स्नान है। जब कोई जीवात्मा मन से पवित्र होता है तो उसके अंदर कोई भी अपवित्रता नहीं आ सकती है, ये सर्वोत्तम स्नान है। दूसरा स्नान है जल स्नान, जो सामान्य स्नान होता है, इससे केवल शरीर का ही, शरीर को ही शुद्ध किया जा सकता है। मन को शुद्ध करने के लिए मानसिक स्नान होता है। तीसरा स्नान है भस्म स्नान, किसी हवन पवित्र यज्ञ कुंड से भस्म लेकर के हम अपने शरीर का लेप करते हैं, यह भी स्नान होता है। मृतिका स्नान मानते हैं, मिट्टी के, पृथ्वी के ऊपरी तट निचले भाग से जो मिट्टी लेकर के अपने शरीर में लपेटते हैं, मृतिका स्नान होता है। वायु स्नान, हवा से भी स्नान कर सकते हैं जिसके द्वारा परम शांति मिलती है। ज्ञान स्नान, सरस्वती के स्नान धारा जो है बड़े बड़े वैज्ञानिकों की विचारधारा से है, बड़े बड़े मनुष्यों के सिद्धांत से है, बड़े बड़े पुराण वेत्ता के प्रवचन से है, ये ज्ञान स्नान है।